नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं दीपक कुमार। यूपी के बदायूं में रोडवेज बसों में यात्रियों के साथ बसलों की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। यात्रियों का आरोप है कि उत्पीड़न की घटनाओं पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और रोडवेज बसों में यात्रा करना चाहते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आप भी हो सकते हैं परिचालक की बदजुबानी के शिकार। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि तमाम उन पीड़ित यात्रियों की दास्तां बताई जा रही है जो कुछ रोडवेज बस चालक अब यात्रियों से बस सुलूकी भी करने लगे हैं। ताजा मामला तहसील बिलसी के मुजरिया चौराहे का है, जहां आज एक दिव्यांग छात्र बबराला जाने के लिए खड़ा था। इसी बीच एक रोडवेज बस आई और उसने रोडवेज में बैठने की कोशिश की तो रोडवेज के परिचालक ने उसे बैठने नहीं दिया। छात्र की तमाम मिन्नतों पर भी रोडवेज परिचालक को उस पर तरस नहीं आया। यही नहीं, परिचालक ने उसे धक्का देते हुए बस से आगे बढ़ जाने को कहा, जिससे वह गिर गया। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। पीड़ित बादाम सिंह पुत्र कुल्लू सिंह निवासी हैबतपुर ने आरोप लगाते हुए बताया है कि वह मुजरिया चौराहे पर बबराला जाने के लिए खड़ा था। इसी बीच एक रोडवेज बस संख्या UP14FT3210 पर वह चढ़ने लगा, लेकिन परिचालक ने अभद्रता का व्यवहार करते हुए उसे गाड़ी से धक्का दे दिया। इससे दिव्यांग बादाम सिंह चोटिल होने से बाल बाल बचा और मायूस होकर घर लौट गया। पीड़ित बादाम सिंह ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की है और उक्त चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। पीड़ित बादाम सिंह ने बताया कि रोडवेज परिचालक मनमानी कर दिव्यांगों के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं, इसलिए आज यह घटना उसके साथ भी हुई है। मेरा नाम बादाम सिंह है, मैं ग्राम बबुआ चाहबतपुर का हूँ। मैं एक बीएड का छात्र हूँ जो आज दिनांक में 3/2/2020 को आज मुजरिया चौराहे पर मैं 10 बजे बस का इंतजार कर रहा था। जिस समय बस रुकी थी उस समय बस कंडक्टर, मैं जैसे ही चढ़ने को था बस पर, कंडक्टर ने मुझे चढ़ने दे दिया और मुझे धक्का दे दिया और किवाड़ मतलब दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि मैं तुझे नहीं बैठा लूँगा, आगे वाली गाड़ी पे बैठ या पीछे आ रही उस पर बैठ। मैंने वहाँ से गुजरते हुए एक पुलिसकर्मी से कहा कि सर मुझे ये बैठने नहीं दे रहे हैं, तब उन्होंने उससे बैठने के लिए कहा और वो वहाँ से निकल गए। फिर मैंने उनसे कहा कि सर अब खिड़की खोल दो, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जा सिपास कराएगा, मैं नहीं बैठा लूँगा, जा करा ले सिपास, जिससे चाहे उससे करा ले सिपास। इसके बाद वो मुझे ना बैठालते हुए गाड़ी लेके वहाँ से चला गया। मैंने इसकी शिकायत मतलब ऑनलाइन दर्ज की है। गाड़ी का नंबर है UP14FT3210। शिकायत कर दी आपने? शिकायत मैंने कर दी ऑनलाइन शिकायत, और मैं चाहता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले समय में अन्य दिव्यांगों को इसका इस ऐसी समस्या का समाधान ना करना पड़े। मैं एक युवा छात्र हूँ जो अपनी बीएड की पढ़ाई कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे बबराला जाना होता है, जिसके लिए मैं सप्ताह में एक बार या दो बार मुजरिया चौराहे से गुन्नौर तक जाता हूँ। बधाइयों से संजीव सक्सेना की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।